नमस्कार, आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीसी सिंह। आज की चर्चा एक बार फिर से चुनाव के ऊपर। आज की जो घटना बिहार में घटी है, कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और उसका जो रिजल्ट आया उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मोदी का कद अभी भी बरकरार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी उतने ही लंबे हैं अपने राजनीतिक व्यक्तित्व में। और विपक्ष की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निराशा का वातावरण जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं बल्कि मुझे ये पूरा का पूरा डिस्कशन इसी प्रश्न से करना चाहिए था कि अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे चुनाव में, गुजरात में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ और हिमाचल में चुनाव हुआ और फिर बिहार के एक विधानसभा में चुनाव हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के रिजल्ट से सबसे ज्यादा प्रसन्नचित होंगे, मेरा जवाब है कि बिहार में जो कुरहन्नी का जो चुनाव हुआ है, कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, उस चुनाव के जो नतीजे हैं उसने, मतलब उस चुनाव के नतीजे को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे विश्वास है कि उनको बड़ी खुशी का एहसास हुआ होगा। और उसके पीछे कारण यह है कि पूरा गुजरात में तो नरेंद्र मोदी को जीतना ही था, ये तो पहले से ही तय था। हम लोगों को लग रहा था कि विपक्ष मजबूत है, कभी अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं या कांग्रेस भी के लोग भी बाढ़ रहे थे, लेकिन बहुत हिम्मत के साथ कोई ये बात नहीं कर रहा था कि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव ही नरेंद्र मोदी का था, उनका स्टेट है, पूरा का पूरा गुजरात का आइडेंटिफिकेशन उन्हीं के साथ है। जहां तक हिमाचल का सवाल है, वो भी कोई जो लोगों का अनुमान था उससे कोई विपरीत रिजल्ट नहीं आया है। और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल का जो करिश्मा है, जो अपना फ्री बीज और या रेवड़ी के सहारे, मैंने फ्री बिजली और वो पानी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उससे भी उनको जीत हासिल होनी थी, ये भी कई हलकों में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कुरहन्नी क्षेत्र से एक जीत जाए, ये एक बड़ी घटना है। इसको शायद बिहार के अलावा देश के और क्षेत्रों में लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी। मैं ये बताने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में कोई याद होगा, पिछले कुछ ही दिनों पहले दो जगह विधानसभा में चुनाव हो रहा था, एक तो मोकामा और दूसरा गोपालगंज के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र में। और मोकामा में तो अलायंस का उम्मीदवार जीता, लेकिन गोपालगंज में जो लालू यादव का, जिसे मैंने पहले भी कहा है कि उसका आंगन था, घर है लालू यादव का, वहां पे भाजपा का चुनाव हो गया। उसमें लोग कह रहे थे कि लोकल फैक्टर से हो गया, मिस कर गए, मामूली वोट सहारा भारे थे ये अलायंस के लोग। और एक बार फिर मुजफ्फरपुर में जो वहां के लोग भी जो चुनाव में काम कर रहे थे, मेरी रोज बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे गठबंधन, महागठबंधन जो अलायंस है वो जीतेगा, नीतीश और लालू के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेगा। लेकिन जब आज रिजल्ट देखा तो ये बात स्पष्ट, इसका मतलब है, अगर ये चुनाव किसी एक चीज को बताता, इसका मतलब है कि जो अति पिछड़ा है उस पर जादू चल रहा है, उसने पूरे के पूरे बैकवर्डिज्म को तोड़ दिया है। बिहार की पूरे पूरे बिहार की जो राजनीतिक लड़ाई है, जो 2022 का जो 24 का जो चुनाव का नतीजा होगा, उसको उसका जो असली रिजल्ट आएगा वो बिहार और उत्तर प्रदेश से आना है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो तय करेंगे वहां के लोग, जिसको कि काउ बेल्ट कहा जाता है। ये तो छोटे मोटे चुनाव हुए, ठीक है, चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी बिहार के कुरहन्नी के मामले में, कि कम से कम बिहार में एक तो ये बात है कि जो अति पिछड़ा है जरूर, बाकी दूसरा कोई, मैंने 1991 से भी बड़ा कंग्लोमेरेशन बनाया था नीतीश कुमार ने, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारी की सारी पार्टियां एक तरफ आज नीतीश कुमार के पीछे खड़ी थी। और वहां पर जब वो पिछले दफा एनडीए से हट करके बीजेपी को छोड़ करके वो अलग से फिर से आरजेडी के साथ मिलकर के और बाकी कांग्रेस और बाकी ऐसा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने सरकार बनाया, तो ये तय हो गया था कि इतना बड़ा जमघट नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा है तो शायद आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल का काम हो। ये हम भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं, तो आज इस बात को महसूस कर रहा हूं कि ये शायद अब लगता है कि उल्टा गणित शुरू हो गया है। और ये सबसे जो निराशा का जो ये सबक है वो नीतीश कुमार के लिए है। लालू यादव का तो जमीन है अभी भी मजबूत, तेजस्वी यादव का, ज्यादा मुसलमान का वोट तो उन्हीं के साथ रहना है, तो वो तो कुछ ना कुछ कर, लेकिन
एक जमाना था कि कहा जाता था कि जेडीयू के आने से, समता पार्टी आई फिर जेडीयू के आने से भाजपा मजबूत हो, एक जमाना था कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी 5 सीट प्रतिनिधि जीत सकती थी चुनाव बिहार में। आज ठीक जो जो कैलकुलेशन लगता है कि उल्टा हो गया है। आज नीतीश कुमार का क्या कैलकुलेशन समझ में बातें आ रही है, उनका वोट बैंक का क्या हुआ? आप देख लीजिए कि अगर बिहार में लगातार 2 विधानसभा चुनाव पे भाजपा जीत जाती है इतना बड़ा ताकत को इकट्ठा करने के बाद, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैकवर्डिज्म को तोड़ दिया गया है। जो मंडल और कमंडल की राजनीति चली थी 1991 में के बाद 89 में जो बीपी सिंह की सरकार ने जो आरक्षण का को इंप्लीमेंट किया था मंडल कमीशन को, उस पर जो हंगामा हुआ था पूरे देश में, और उसके बाद बिहार में लालू यादव की सरकार और बाकी चीजें जो काम हो रहा था, मुलायम सिंह यहां पर थे, और वो माहौल जो बना उस समय से ऐसी स्थिति बन गई कि एक पूरा का पूरा जो बिहार और खासकर उत्तर में बैकवर्डिज्म का जो माहौल था, जात के आधार पर राजनीति हो रही थी। और बीजेपी इसीलिए मंडल कमीशन का जो इंप्लीमेंटेशन की जो का जो डिसीजन था बीपी सिंह को का, उसी को काउंटर करने के लिए उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कमंडल की राजनीति शुरू किए थे और वहाँ से अयोध्या का के लिए रथ यात्रा का शुरुआत करा था, वो जो रथ यात्रा का जो कार्यक्रम था, और उससे पूरी की पूरी बीजेपी का कायाकल्प होकर रह गया। आज स्थिति है ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो बैकवर्डिज्म का था, जो सोशल जस्टिस का नारा दिया करते थे वो लोग, वो इररिलेवेंट हो चुका है बिहार में। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, और अगर कोई इसको इनकार करता है तो इसका जवाब दे कि फिर क्या है इसका, इसको कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे के पूरे चुनाव से जो बिहार में कुरहन्नी का जो विधानसभा है, ये वही क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीता करते थे। तो ये इतना बड़ा घर है, वहाँ भी जाकर के सेंगमारी कर रहा है बीजेपी, और फिर क्या हम नतीजा निकालें इससे? एक चीज़ और मैं पूरी कहानी को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। ये एकेडमिक सर्किल में भी इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि जो जिस बात को मैंने कहा कि मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए आडवाणी जी का रथ यात्रा चला था, कि जब जात के आधार पर आप वोट का समीकरण बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं, तो मैं धर्म का कार्ड प्ले करके वो अपनी स्थिति मजबूत करने का कोशिश करता हूँ। यही था यही राजनीति थी पूरी की पूरी। दो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं इस देश में, एक तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड अकील बेलग्रामी, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा इस बात को कि पूरे देश में जो हिंदू राष्ट्रवाद और कम्युनिज्म का जो माहौल हुआ है, ये मंडल के बाद की घटना है। ये हम लोग जमीन पर महसूस कर रहे थे कि आज पूरे के पूरे बिहार में, खास करके सबर्ण जो खफा थे नीतीश कुमार से, लालू यादव से, इसीलिए खफा थे मंडल में, चूंकि जो माहौल था उस समय वो एकदम एंटी आरक्षण कम और एंटी फॉर्मलिज्म, चूंकि वोट का पोलराइजेशन करना था। तो आज उस पर पानी फेर दिया गया है, और ये निश्चित रूप से तय हो गया कि तभी हो सकता है जब अति पिछड़ा आज नीतीश ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के लिए वोट करे। तो ये बात, एक तो मैंने आपको अकील बेलग्रामी के बारे में बात कहा, और दूसरा सईद नकवी हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में अभी जो लिखा है, एक बहुत बड़ी प्रभावित बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें भी वो इस बात की चर्चा करते हैं। तो ये अब लग रहा है कि जो आने वाला जो दिन है उसमें बीजेपी के लिए ये एक अच्छा दिन है, और बीजेपी के मुकाबले नरेंद्र मोदी के का पैरेलल कोई नेता या कोई कॉन्वर्सेशन करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, चूंकि ये एक नीतीश कुमार का चेहरा था जो शायद इस काम को कर सकते थे, लेकिन इस बार का जो कुरहन्नी का जो चुनाव हुआ है वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो इन्हीं चंद टिप्पणियों के साथ आज मैं आपकी कहानी को यहीं विराम देता हूं, और जब फिर कल मिलूंगा शायद किसी और कहानी के साथ आऊँ आपके सामने। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।